वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको मैंने कुछ ट्राइपॉड खरीदे हैं आगे की वीडियो शूटिंग के लिए, तो आज मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और किस तरह का प्रोडक्ट है वो भी बताऊंगा। मैंने यही ट्राइपॉड खरीदा है जो अभी पैक्ड है और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और बताऊंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। देखूंगा इस ट्राइपॉड में क्या क्या फीचर्स हैं तो वो आपको बताऊँगा। गाइस, मैंने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें पैक था, वो MI की अपनी स्टिकर है और उसके प्राइस टैग लिखे हुए हैं। प्राइस टैग है 1100 रुपये का पड़ा है मुझे और मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये इस तरीके से पैक्ड है। आप देख सकते हैं ऊपर से एक प्लास्टिक के बॉक्स में ये। गाइस, मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसमें से मेरे को 3 चीज़ें निकली। एक तो इसका बुकलेट निकला है जिसमें ये लगे हुए कि इसको सेट कैसे करेंगे और इसको यूज़ कैसे करेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है। एक ये निकला है और ये ट्राइपॉड्स निकले हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि इस वाले पैकेट में क्या है, इसको ओपन करके देखता हूँ। आई थिंक इस वाले पैकेट में रिमोट होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल, जिससे इसको इस ट्राइपॉड को हम कंट्रोल करेंगे। किस तरीके से कंट्रोल होगा ये, अब हमें कैमरे के पास, अभी वाला जो ट्राइपॉड था ये बार बार मेरे को कैमरे के पास जाना पड़ता था ऑफ ऑन करने के लिए। तो जो मैंने ये ट्राइपॉड मंगाया है इसमें मेरे को बार बार कैमरे के पास नहीं जाना पड़ेगा ऑफ ऑन करने के लिए, मैं बैठे बैठे कर सकता हूँ। ये फ्रेंड्स इस तरीके से होगा और हम यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ये फ़ोन सेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से घूम जाता है और रिमोट की बात कर रहे थे, रिमोट को हम यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा ऐसे सेट कर सकते हैं, मैंने उल्टा सेट कर दिया है। इसको निकाल के मैं फिर से सेट करूँगा। इस तरीके से रिमोट यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके स्टैंड को हम उठाएंगे और ये सेल्फी स्टिक की तरह भी काम करता है। ये एक तो इस तरीके से ये ट्राइपॉड ओपन हो गया, यहाँ हम फ़ोन लगा सकते हैं और ये 360 डिग्री हम इसे टर्न कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 360, ओह माय गॉड, ये काफ़ी इम्प्रेसिव ट्राइपॉड दिख रहा है मेरे को। ये देखो, आप इस तरीके से टर्न कर सकते हो, इस तरीके से 360 टर्न होता है और जब भी हो इसको ज़रूरत हो क्लोज़ ओपन कर सकते हो आप। इस तरीके से ये बंद रहता है तो आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो इसके स्टैंड को, और ये एज ए सेल्फी स्टिक भी काम करता है। अब वही मैं देख रहा हूँ वो सेल्फी स्टिक वाला फीचर कैसे, ये एज ए सेल्फी स्टिक भी काम करता है। आप इस तरीके से ये जो इसका स्टैंड है जहाँ से बेंट होता है, आप यहाँ से ओपन करके एज ए सेल्फी स्टिक इसे यूज़ कर सकते हो। ओ माय गॉड सर, इम्प्रेसिव प्रोडक्ट है, इम्प्रेसिव। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ ये देख के, काफ़ी अच्छा बनाया है कम प्राइस में। और ये रहा इसका स्टैंड, एक बार मैं फ़ोन लगा के भी दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से फ़ोन को सेट करके देखते हैं फ्रेंड्स। अरे माय गॉड, अमेजिंग, मतलब ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो, और रिमोट को कैसे पेयर करोगे अपने फ़ोन के साथ, तो क्या करना है आपको, फ़ोन के सेटिंग सेक्शन में जाना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है, फिर वापस इस रिमोट पे आना है, ब्लूटूथ को ऑन करके वहीं पे होल्ड करना है, उसी ब्लूटूथ ऑन के स्क्रीन पे वापस फिर से रिमोट पे आना है, रिमोट के बटन को होल्ड करना है, ये फ्लैश करना स्टार्ट करेगा, फिर आपको वहाँ देखना है कि ये रिमोट का जो नाम है, इस रिमोट डिवाइस का जो नाम है, इस वो कंट्रोलर डिवाइस का नाम आपके ब्लूटूथ ऑन स्क्रीन के नीचे शो कर रहा है। जैसे ही शो करता है
ये तब तक फ्लैश करती रहेगी जब आप इसको होल्ड करोगे, ऑन करोगे तो फ्लैश करती रहेगी जब तक पेयर नहीं हो जाता। जैसे ही पेयर हो जाएगा आप वहाँ इस डिवाइस का नाम डिस्प्ले करेगा, उसको आप सेलेक्ट करते हो, और जैसे ही पेयर होगा इसकी फ्लैशिंग रुक जाएगी और ये बिल्कुल होल्ड कर जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे होगे ब्लू जल रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी, इम्प्रेसिव लगी, और बाकी तो यूज़ करने के बाद पता चलता है कि ओवर द टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है। अभी जो मैं ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ उससे 10 times बेटर है, और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी लाइट भी है। इसके जो स्टैंड्स हैं 360 मूव करते हैं, आप इसे सेल्फी स्टिक यूज़ कर सकते हो एज ए सेल्फी स्टिक। और इसका जो फ़ोन होल्डर है, ये अभी जो फ़ोन होल्डर है मेरा बहुत टाइट है, और इसका जो फ़ोन होल्डर है ये काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हो ये काफ़ी आसानी से, और ये पूरा ट्राइपॉड से लाइट वेट है, और काफ़ी आसानी से आप इसे खींच के फ़ोन को कैच करा सकते हो, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब फ़ोन कैच होता है, क्या होता है अभी वाले ट्राइपॉड में मेरा कभी कभी स्लिप करता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, और आप इसे किधर भी घुमा सकते हो 360 मोड में, चारों तरफ घुमा सकते हो आप। और ये फ़ोन होल्डर को आप अप एंड डाउन कर सकते हो ऐसे, जब भी ज़रूरत नहीं हो आप ऐसे मोड़ के ऐसे बेंड करके रख दो। तो आज के लिए इतना ही था, मैंने अपने प्रोडक्ट कैच कर लिए और इसे सेट भी कर लिया है, और आगे से मैं यही ट्राईपॉड यूज़ करने वाला हूँ आगे के सारे ब्लॉग के लिए। सो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए। मैं अपने एक्टिविटी मैं नॉर्मल एक्टिविटी जो करते हैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ जो भी अच्छे मोमेंट हो सकते हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के साथ। गाइज, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो या सेल्फी जो भी यूज़ कर रहे हैं एमआई ट्राइपॉड से, और हम रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं पेयर करके, तो अगर सेल ख़त्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है हमारा रिमोट कंट्रोल, तो व्हाट कैन वी डू, इज़ इट रिचार्जेबल। मेरे में ये क्लिक किया कि क्या ये रिचार्जेबल है, तो क्योंकि जैसे ही मैंने खोला तो मैंने नोटिस नहीं किया, और सडनली ये चीज़ मेरे ध्यान में आई कि अगर वीडियो शूट कर रहे और बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे। सो फिर मैंने रिमोट को ध्यान से देखा तो यहाँ एक, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्मॉल यूएसबी पोर्ट है, जो वैसे अभी एंड्रॉयड में दो तरह के यूएसबी पोर्ट आते हैं, एक आता है सी टाइप यूएसबी पोर्ट सी टाइप केबल के लिए, एक आता है मिनी यूएसबी पोर्ट। तो यहाँ पे मिनी यूएसबी पोर्ट है जो नॉर्मली हम लोग पहले एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ किया करते थे, अभी हम ऐसे फ़ोन को यूज़ नहीं करते। सो ये एंड्रॉयड केबल हम लोग यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा ये माइंड में आया था कि एक बार हम ऑन कर देते हैं इस रिमोट को, स्टार्ट करना यूज़ करते हैं तो ऑन तो हो जाता है, लेकिन आप होल्ड करोगे तो ऑन हो जाता है, लेकिन एक बार आप ऑफ कैसे करोगे इसे, नहीं तो जलता रह जाएगा, सेल ख़त्म हो जाएगी। तो टर्न ऑन कर देते हो फिर टर्न ऑफ कैसे करें, होल्ड करके इसे पेयर करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, वैसे ही होल्ड करना है और ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है। तो